में दया है ना, सोचना आपके अंदर नहीं है। कहाँ से आया बेटा तुम लोग? हाँ, जोर के ग्वाल बालों ने कहा कि माता जी हम सब वृंदावन से आए हैं गैया चराने, और कृष्ण बलराम दोनों भैया पास में हैं। इतना सुनते ही सभी ब्राह्मण पत्नियां मदहोश हो गई, जैसे मूर्छित हो गई, भाव विभोर हो गई। अब ग्वाल बाल इशारा करेंगे, अब भोजन कौन देगा? भोजन मांगने आई तो लगता है लोग समाधि लग गई सब। भोजन देगा कौन? कारण क्या था कि ब्राह्मण पत्नियां पास में सुनते ही मदहोश हो गई? उन लोगों ने कृष्ण को देखा नहीं था, केवल सुना था। श्रीमद भागवत महापुराण में दो ऐसे पात्र हैं, भक्त हैं, जिन्होंने कृष्ण को देखा नहीं, सुन सुन के उनकी भक्ति जागृत हो गई है। एक यहाँ द्विज पत्नियां ब्राह्मण पत्नियां, और दूसरी रुक्मिणी। ये दो ही ऐसे हैं ना जिन्होंने सुन के पा लिया कृष्ण को। हम लोग देख देख करके नहीं पाएंगे, जरूर पा लेंगे, बिल्कुल गारंटी है पाएंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने जब मूर्छित देखा तो मधुमंगल फिर आवाज लगाया, अरे माता जी आप सब सो गई, आ कृष्ण को भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो ना। इतना शब्द कान में जाते ही कृष्ण को भूख लगी है, खाना मांग रहे हैं सर, सबकी चेतना वापस बैठ गई संभल के। आप उसने क्या बात किया? सभी ब्राह्मण पत्नी, कौन कृष्ण? वही कृष्ण ना जो नंद जसोदा का छोरा है, लड़का है ना, अरे वो तो भगवान है, ब्रह्म है, नारायण है, परमात्मा है, ईश्वर है। अब परमात्मा को भूख लगी है, भगवान को भूख लगी है, तो हम लोग को सोचना विचारना क्या है? ले बेटा दे, तू ले जाओगे ना? सब ग्वाल बाल हाथ जोड़ लिए, माता जी आप तो दे दोगी, अरे पिताजी लोग छोड़ लेंगे, छोड़ा लेंगे तो पंडित जी। पूरी राम कथा ग्वाल बालों ने सुना दिया ब्राह्मणों को। सभी ब्राह्मणी समझ गए कि हम लोग पति गड़बड़ कर चुके हैं। सबने अपना अपना थाल अलग अलग लगाया, जो भोग प्रसाद व्यंजन बनाया था जिसने, वो अपना अपना थाल लगा लिया। और कट्टी घूंघट मार ली, इधर पति देवता है, इधर से घूंघट मार लो, एक हाथ में ऐसे थाली, हाँ जी कहीं रोक न दे, ऐसे अधकट्टी घूंघट मार के चल दिया लाइन लगा के। आगे आगे जो ब्राह्मणी थे उसके पति ने जगशाला से आवाज लगा ही दिया, हाँ हाँ कहाँ चल दी? जो आगे ब्राह्मणी थे उसने कही कि मैं जहाँ जा रही हूँ ठीक जा रही हूँ, आप जो कर रहे हो सो करो, फेल तो हो गए हो। कोई आगे चल तो कोई पीछे भी ब्राह्मणी होगी। जो ब्राह्मणी सबसे पीछे थी उसके पति देवता निकले जग मंडप से, उसका केस पकड़ के खींच के ले जाकर बंद कर दिए। खबरदार अपनी मन की हो गई, नहीं जाने दूंगा। उस ब्राह्मणी ने क्या कहा अपने पति से, कई शरीर पर तुम्हारा अधिकार है और शरीर से प्रेम करते हो, कई लिए रहो अपने शरीर को, पांच तत्व का जो शरीर है ना, पांच तत्व का वहीं पर त्याग दी। अब दीप पर उठान करके सबसे पहले कन्हैया के पास थाली लेकर पहुंच गए। प्रार्थना करी कि हे गोविंद, हे कन्हैया, मैं गरीब ब्राह्मणी, मेरे पास और कुछ नहीं था, यही दही भात ही था, इसी को मैं लाए हूँ, आप प्रेम से इसी को पालो। अभी जब तक वो अपना अर्जी लगा रही है, पीछे से सभी ब्राह्मण पत्नियां पहुंच गई। नहीं नहीं कन्हैया, दही भात क्या खाओगे? मैं पकौड़ी लाई हूँ मेरा खाओ, करिए नहीं मैं मालपुआ लाई हूँ मेरे खाओ, करिए मैं कचौड़ी लाई हूँ मेरी खाओ। अपनी अपनी थाली रखती गई सामने, अब पर्दे हटाती गई, सब में दही भात होता चला गया। वहाँ से तो चारों प्रकार की भोजन लाई थी ब्राह्मण पत्नियाँ, लेह देह च्वाह च्वेस, चार चार प्रकार का भोजन है, चारों प्रकार की लेके आई थी, यहाँ एक ही प्रकार हो गई दही भात। बड़े ठाकुर जी प्रेम से अपने पाए, अपने ग्वाल बालों को बांट बांट के खिला दिए। अब बोले माता जी खाना पीना हो गई, खाखा खैया खत्म, अब हम लोग चले वृंदावन, आप लोग जाओ जग मंडप, आप लोग के पति वहाँ इंतजार कर रहे हैं ना, जग की पुनौती डालनी है, जग की पुनौती डालनी है, पत्नी नहीं रहेगी तो कैसे पुनौती डालेंगे? ब्राह्मणी बोली नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? इसलिए नहीं जाऊंगी कि जो भोग प्रसाद व्यंजन बना था जग भगवान के लिए, वो पति के बहुत रोकने पर, लाख मना करने पर मैं नहीं रुकी, ला करके आपको खिला दी। अब यदि मैं दोबारा जाऊंगी ना तो मेरा पति मुझे मारेंगे, कोई बोले मुझे फटकारेंगे, कोई बोले मुझे तुमको घर से निकाल देंगे, कोई बोले कि हमको तो रख दे ही नहीं करेंगे, धर्म से खिलवा करके आई हूँ। सभी की अर्जी सुन लिए कन्हैया, और मुस्कुरा करके मोहिनी रूप का दर्शन दिए, जो सामने आप लोग मंदिर में मोहिनी रूप का दर्शन किए होंगे सफेद पोशाक में, यहाँ बिहारी जी का मोहिनी रूप का दर्शन है। ब्रजमंडल में आपको 12 बिहारी जी मिलेंगे जिसमें मोहिनी रूप ही भतरौर बिहारी की है,
यही एक बिहारी जी हैं जो जमुना का दर्शन करते हैं, पटरानी को हमेशा सामने रखते हैं, और किसी बिहारी जी को जमुना का दर्शन नहीं होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया जी मुस्कुरा कर मोहिनी रूप का दर्शन कराए, आशीर्वाद दिए कि तुम लोग चिंता नहीं करो, नहीं घबराने की जरूरत है, आप जाओ, तेरा पति तेरे को सस्तान दंडवत करेंगे, तुम्हारी चरण धोएंगे, तेरी आरती उतारेंगे, तेरी पूजा करेंगे, अब पहले से ज्यादा प्रेम करेंगे। मेरा आशीर्वाद है ना कि तुम लोग घर बैठे रानी बन के रात करना, और तेरा पति बन बन भटकते फिरेंगे। देखिए हमारे मथुरा के 14 बाबा पंडा जी आपको ले लिए, चले कभी 84 कोस की परिक्रमा, कभी चले 14 कोस की परिक्रमा, कभी चले 5 कोस की परिक्रमा, वो दिन रात चलते ही रहते हैं। और उनकी धर्म पत्नियां ठाकुर जी को दही भात खिला के मोहिनी रूप का दर्शन करके आशीर्वाद लिया, आज भी रानी बन करके राज कर रही है। दही भात खाने से इनका नाम हुआ भतरौर बिहारी। आगे भी सुनेंगे, मंडप तक पहुंचा दूं, पत्नियों को वापस कर दूं, समय की अभाव तो नहीं है, 4 मिनट लगेंगे और। भाई चलो, क्योंकि श्रोता रहते हैं तो कथा पूरी सुनानी चाहिए। कथा देखिए दो प्रकार की होती है, एक फ्री वाला, एक दक्षिणा वाला। ये कथा यहाँ दक्षिणा वाली हो रही है, ठीक है ना, फ्री वाली नहीं हो रही है। अब ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, विप्रगण रुदन करे मतलब रो रहे हैं। अरे एक तो श्रीमती जी मर गई है तो बिन पूछे रो रहे हैं, दूसरा क्यों रो रहा है भाई, उसकी न मरी है, तेरी कौन मरी है। वो कह रहे हैं कि कृष्ण के पास जो भी मथुरा से गया कोई जिंदा नहीं लौटा, देखो इन्होंने अपनी पत्नी को नहीं जाने दिया तो वहां से बैठे बैठे मार दिया। अब मेरी पत्नी गई थी, अब थोड़ी जिंदा तो लौट के आएगी नहीं, मेरी दुनिया लूट गई। कोई रो रहे हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, कृष्ण तो मारिए देगा मेरी पत्नी को, अब मेरे बच्चों का कौन पालन पोषण करे, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। कुछ ना कुछ कारण आके कोई कह रहे कि मेरी तो इतनी सुंदर बिल्डिंग, दो ही प्राणी थे, बिन घरनी घर भूत के डेरा, अब तो हमारी महल हो गई बिना घरनी की, उसमें तो भूत प्रेत बास करेंगे। ऐसे ऐसे नाना प्रकार की वाहन भावना करके विप्रगण रुदन करे रो रहे हैं। इधर से ब्राह्मण पत्नी वापस हुई ठाकुर जी का मोहिनी रूप का दर्शन करके आशीर्वाद लेके। जैसे ही अपनी पत्नियों पर निगाहें पड़ी तो सबसे आगे कौन थी, वही धर्म पत्नी जो केस पकड़ के बंद कर दिए थे अंदर। वो देख के आश्चर्य पड़ गए सभी की, आगे आगे आधी तो मरी पड़ी है, जा रहे झोपड़ी में तो है कोई, अरे तो ठाकुर जी की लीला थी, कहाँ कोई मरा पड़ा, तो जिंदा सामने आ रही है। अब सभी विप्रगण अपने तो पत्नियों को सस्तान दंडवत कर रहे हैं। हाँ जी, सस्तान दंडवत किया, दौड़ के जा रहे हैं अपनी पत्नी के पास, देखो जिन चरणों से चल करके तुम लोगों ने ब्रह्म को दर्शन किया ना, उस चरण की धूली तो थोड़ा दे दो, माथे से लगा लूं, उस चरण तो छू लेने दो। उनकी पत्नियां क्या कह रही है कि नहीं नहीं, वो तो एक बार शादी के समय पंडित जी ने चरण छुआ दिया था, दोबारा नहीं। कोई ब्राह्मण कह रहे हैं अपनी धर्म पत्नी से कि जिन हाथों से तूने ब्रह्म को खिला के आया वो हाथ तो मेरे हाथ पर रख दो। वो भी सुंदर जवाब दे रही है कि शादी समय जब कन्यादान हो रही थी ना तो पंडित जी ने हाथ पर हाथ रखवा दिया था, दोबारा नहीं। एक ब्राह्मण बोले कि ऐसा करो कि जिन आंखों से तू मेरे ब्रह्म को दर्शन करके आया वो आंखें तो मेरी आंखों में डाल दो, बोले तो सुहागरात के दिन हो गई है। हमने बड़े आदर से बड़े सत्कार करके ब्राह्मण अपनी अपनी पत्नियों को अपने घर में ले गए, आज भी आनंद से ठाकुर जी को दही भात खिला करके और दर्शन करके राज कर रहे हैं। अब चले कन्हैया जी को वृंदावन भी पहुंचाई दें। कन्हैया जी अपने ग्वाल बालों को गैया लेके वृंदावन लौटे। कुछ सखाओं ने आगे कहा कन्हैया समाचार गड़बड़, क्या हो गई, तेने वादा किया था उत्तर दिशा को गैया लेके जाने को ना, कहाँ को चला गया। बोले अशोक वन दक्षिण दिशा में, सखियाँ भोजन लेके गई थी, बहुत परेशानी से लौट के चली आई, राधा रानी नाराज हो गई। बड़ा गड़बड़ समाचार मिल गई, राधा रानी नाराज हो गई। ग्वाल वालों को भेजे कन्हैया, जाओ राधा रानी को ले आओ। जाकर उन्होंने अर्जी लगाई कि राधा रानी चलिए कन्हैया बुला रहे हैं। राधा रानी बात तक नहीं करी, आगे बोले राधा कन्हैया, राधा रानी बहुत नाराज हो गए नहीं आए। कन्हैया कहे कि देखो भाई किसी तरह से राधा रानी को तो राजी करना पड़ेगा, कुछ नाटक कर दो इसके लिए। तो 10-5 ग्वाल बालों को लहंगा दुपट्टा चुनरिया पहना दिए, स्वयं पहन लिए। सब ग्वाल जो है ना वो गोपी बन गए। गोपी बन करके राधा रानी अपने सखियों के, राधा रानी की सखियों के संख्या सैकड़ों में थी,
ये तो चलते 50 लेके चलते थे, 100 लेके चलती थी। अपने सखियों के बीच बैठी थी, जाके एक सखी ने कहा, नकली सखी असली नहीं, राधा रानी राधा रानी आपको दंडवत, आपसे श्यामा सखी मिलने आई है। राधा सोची थी होगी कोई श्यामा सखी, इधर से कन्हैया को लिए 5-7 श्यामा सखी बना के ले जा रहा है। अब तो कोई भी सखी सखी आएगी तो हाथ मिलाएगी, गले मिलेगी, तो पुरानी परंपरा है। तो जब राधा रानी गले मिलने लगे तो मधुमंगल उसी में घूंघट लगाए खड़ा था। राधा रानी ये श्यामा सखी नहीं, ये श्याम सुंदर है। राधा रानी गले मिल ली, राजी हो, नाराजगी कहा रहा, अब तो गले मिला दिए, राजी हो गई राधा रानी। ऐसी ऐसी लीला हमारे ठाकुर जी ने एक दिन में किया था, पूरी लीला का आनंद आप लोग को दे दिए। ठाकुर जी को यहाँ दही भात की रोज भोग लगती है, आप वो देखेंगे छोटा सा गौशाला है एक नीचे, तो आप ही लोग के तरफ से चलता है गौशाला। तो जिनको गौ सेवा करना होगा वो जरूर सहयोग कर देंगे, और जिनको अच्छी कथा हमारी लगी होगी भगवान की वो दक्षिणा जरूर दे देंगे, और जो कथा सुनेंगे तो कोई दबाव नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, अगरौल बिहारी महाराज की जय। डोनेशन के लिए एक आदमी घूम दे आप उसमें अपना में आराम से, क्योंकि एक जगह सभी लोग पहुँच नहीं पाएंगे। संत जी महाराज के बहुत आभारी है जिन्होंने कथा बताई। अभी हम कीर्तन करते हुए निकलेंगे अक्रूर घाट, वहां पर